दोस्तों, मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड, आज आपके लिए मैं सोनी लेक्स कंपनी का FM रेडियो रिपेयर करना आपको सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ये जो सोनी लेक्स का FM रेडियो आप देख रहे हैं फ्रेंड, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल डेड है, यह नहीं चल रहा है। तो आज फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको रिपेयर करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड, ये देखिए सोनी लेक्स कंपनी का है और यह 2 वाट का है, और इसको आप बैटरी से भी चला सकते हैं और सेल से चला सकते हैं। इसके अंदर एक इंटरनल बैटरी लगी हुई है, आप उसको चार्ज कर सकते हैं और फिर इसको चला सकते हैं। यहाँ पे इसको चार्ज करने का देखिए पॉइंटर दिया हुआ है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड, आप देखिए, आप इसे एक्सटर्नल चार्जर से चला सकते हैं 6 वोल्ट के, ये SD कार्ड का पॉइंट बना हुआ है, इससे भी चला सकते हैं और USB से भी इसको चलाया जा सकता है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऑक्स केबल है, ये ऑक्स केबल दे रखी है, ये फ़ोन से इसको चला सकते हैं और ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है। तो फ्रेंड, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये बिल्कुल डेड है, ये नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड, आज हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके अंदर खराबी है, और जो भी खराबी इसके अंदर होगी उसको दूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड इसको ओपन करेंगे। फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसको ओपन कर लिया है, ये इसका सर्किट बोर्ड लगा हुआ है। देखिए, इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, तो कंपनी ने कुछ भी इसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये कितने वोल्टेज की है। तो फ्रेंड, इसको जो भी छोड़ देते हैं और इसके अंदर देखते हैं इसके नीचे क्या लगा हुआ है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं, देखिए इसके नीचे एक स्पीकर रखा हुआ है। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड इसके अंदर एक स्पीकर है, 4 ओम का स्पीकर कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है जो 5 वाट का है। और आप देख सकते हैं इसमें बटन और ये ऑन ऑफ का स्विच, जैक, पावर जैक लगा रखा है, ये सब कंपोनेंट फ्रेंड इसके अंदर लगे हुए हैं। तो फ्रेंड, अब आप इसकी चेकिंग करना स्टार्ट करते हैं और इसमें ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या खराबी है जिससे ये ऑन नहीं हो रहा है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मीटर को DC की रेंज में रख कर इसकी बैटरी की वोल्टेज नापेंगे। बैटरी की वोल्टेज की तार हम देख सकते हैं इसमें यहाँ आ चुकी है, तो ये हमने निगेटिव पे रखा और ये पॉजिटिव पे। और आप देखो, इसकी जो वोल्ट है 2.79 यानी 2.8 आ रही है, जबकि इसकी जो बैटरी है ये 3.7 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए, ये वोल्टेज कम दिखा रही है। इसका मतलब ये चार्जर जो है ये बैटरी फुल चार्ज नहीं है, तो जिसकी वजह से ये वोल्टेज इतनी कम दिखा रही है। अब इसके लिए इसमें सबसे पहले बैटरी बदलना ज़रूरी है, और एक बार इसकी बैटरी की टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं लोड के ऊपर ये वोल्ट और डाउन तो नहीं हो रही। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको ऑन करेंगे और अब इसकी दोबारा से वोल्टेज नापेंगे कि उतनी है या उससे भी कम हो गई। अब देखो, इसमें 1.89 वोल्टेज यानी कि 1 वोल्ट के करीब इसमें और ड्रॉप हो गई इसको ऑन करते ही। तो इसका मतलब बैटरी हमारी पूरी खाली है, और या इस सेट की कोई IC शॉर्ट कर रही है जो इसको बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रही है बैटरी को। तो सबसे पहले इसकी बैटरी को चेंज करेंगे और फिर देखेंगे। ये हमारे पास 3.7 वोल्ट की 4 वोल्ट वाली बैटरी है, चार्ज होने के बाद ये 4 वोल्ट तक चली जाती है, तो इसमें इस बैटरी को इस्तेमाल करेंगे। इसके नेगेटिव पॉजिटिव वोल्ट को सही तरह से देख के लगाना चाहिए, ये अगर उल्टा लग जावे तो पूरा सेट डेड हो जाता है। ये बैटरी हमारी लग गई, अब सेट को इसकी पहले वोल्टेज चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं 4.14 वोल्ट आ रही है, इसका मतलब बैटरी हमारी चार्जेबल है। अब इसको हमने यहाँ से ऑन किया, ऑन हो गया, आप देख सकते हैं थोड़ी सी वोल्टेज बैटरी की डाउन हुई 3.9 यानी 4 वोल्ट के करीब। इसका मतलब सेट हमारा सही है, ज़्यादा शॉर्ट सर्किट नहीं है। अभी ये हमारी ऑडियो IC लगी है, इसके ऊपर क्लिक दे चेक करेंगे। ये हमने इसमें चार्जिंग के लिए ये तार लगाई है और अब इसकी अब ऑडियो चेक करेंगे।
ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑडियो आ रही है, यानी ये हमारी जो इसकी जो प्रिंटेड बोर्ड है ये ख़राब हो चुका है। और ये कहाँ तक ख़राब है इसको चेक करेंगे। ये देखो बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, ठीक है। इसके ख़राब होने का कारण हमें अंदाज़ा लग चुका है कैसे ख़राब हुआ होगा ये। इसमें सिर्फ ये आईसी काम कर रही है, बाकी आईसी इसकी सब डेड हो चुकी हैं। बस इसकी ऑडियो यही वहाँ तक जा रही है, बाकी ये आईसी इसकी और ये सब ख़राब है। ये इस सेट के अंदर हुआ क्या कि जब इसकी बैटरी, ये वाली बैटरी इसकी ये ज़ीरो हो गई, इसे चार्जिंग करंट ये पकड़ नहीं रही, तो अब जैसे यहाँ पर वोल्टेज हमारी चार्जिंग वोल्ट के समय ये वोल्ट जो बढ़ गई, ये हमारी 4.72 वोल्ट आ रही है। और जिस टाइम ये बैटरी हमारी ओपन होगी यहाँ से, तो ये वोल्ट हमारी बढ़कर 200 या 150 वोल्ट के करीब पहुँच जाएगी, जिसकी वजह से ऐसी सूरत में अगर हमने सेट को ऑन कर दिया तो ये पूरी वोल्टेज सर्किट के अंदर जाएगी और हमारा सर्किट ये पूरा ख़राब हो जाएगा। और सेम यही हुआ कि इस बैटरी के ऊपर चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया गया और जिसकी वजह से इसकी ये आईसी सब डेड हो गई। अब ये रिपेयरेबल नहीं रहा क्योंकि सारी आईसियाँ ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये ठीक नहीं हो सकता। इसके अंदर एक जुगाड़ करा जा सकता है कि इसके अंदर एक प्लेट लगाकर इसको ब्लूटूथ के लिए बनाया जा सकता है। बस हमने इसके अंदर ये ब्लूटूथ की प्लेट लगा दी और ये हमारा चालू हो गया, लेकिन ये वाली आईसी भी हमारी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। इस पिन को अगर शॉर्ट करें तब ये चल रहा है ब्लूटूथ और आवाज़ भी सही फटी फटी नहीं, सही नहीं आ रही इसकी। तो ये पूरी ही प्लेट इसकी ये ख़राब हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं इस सेट की ये तमाम आईसियाँ सारी इसकी उड़ चुकी थी और ये वह जो साउंड की आईसी थी ये भी इसकी ख़राब थी। अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा, लेकिन सेट को इसको हमें चालू करना था, तो हमने चालू करने के लिए इसमें ये ब्लूटूथ की प्लेट लगा दी एक, और एक ये ऑडियो आईसी 8403 की ये प्लेट लगा दी, जिससे ये दो कनेक्शन हमारे स्पीकर के चले गए और ये पॉजिटिव सप्लाई आ गई यहाँ पे और निगेटिव सप्लाई हमने यहीं से ही ये दे दी। तो यानी कि इसमें कुल हमने ये चार कनेक्शन किए हैं। ये इसका 5 वोल्ट का कनेक्शन है, इस यहाँ से ये 5 वोल्ट गई है पॉजिटिव, और ये इसकी इनपुट है, ऑडियो इनपुट हमने इसकी यहाँ से ये इसमें दी, यहाँ से यानी कि लेके इसमें लगा दिया। ये लेफ्ट चैनल या राइट चैनल को मिला कर, दोनों तार ऐसे मिला कर के एक तार उठाकर सीधी यहाँ से लेकर इसकी इनपुट पे लगा दी। यहाँ से ये स्पीकर की आउटपुट निकल गई और ये इसकी सप्लाई है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी अर्थ लाइन के लिए हमने ये एक कनेक्शन अर्थ लाइन के लिए ये दे रखा है यहाँ पे, इधर इसे घुमा के दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये कनेक्शन अर्थ लाइन का हमने नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर दे दी है, 5 वोल्ट और नेगेटिव, और एक कनेक्शन दिया है हमने अर्थ लाइन हमारी यहाँ से मिल गई इसको, और ये ऑडियो का एक एल चैनल को हमने इसको इस यहाँ पर लगा दिया। अब इसको ऑन करने के लिए दोबारा खोलिए।